गिरिडीह जिले के बिरनी और जमुआ प्रखंड से कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलते ही प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। दोनों प्रखंडों के तीनों मरीजों को प्रशासन ने बददीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर में एम्बुलेंस से भिजवाया। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सोमवार को बिरनी पहुंचे और BDO समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि बिरनी प्रखंड के दोनों संक्रमित मरीज 5 मई को गुजरात से सूरत स्पेशल ट्रेन से धनबाद पहुंचे थे, जिसके बाद बस से वो अपने गांव पहुंचे। इसके बाद एक सरकारी भवन में उन्हें क्वारंटाइन करवाया गया। फिलहाल दोनों गांव को सील कर दिया गया है, वहीं गांव के आसपास इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। गिरिडीह जिले पश्चात दूसरे राज्यों तथा दूसरे जिले में रह रहे गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों की वापसी प्रारंभ होने लगी है और एक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 14,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आज तक गिरिडीह वापस लौट चुके हैं। 6 तारीख को एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत से काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर धनबाद होते हुए गिरिडीह पहुंचे थे और उसी दिन से लगातार सभी प्रवासी मजदूरों की सैंपलिंग की जा रही है और उन्हें जांच के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। उसी आलोक में अभी तक कुल 475 सैंपल्स कलेक्ट करके जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से कि 77 सैंपल्स के कल रिपोर्ट्स आए थे और उसमें से 3 केसेस पॉजिटिव मिले थे। यह तीनों केसेस गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड तथा 2 बिरनी प्रखंड के हैं। जैसे ही जानकारी मिली, इन तीनों कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रात में ही ANMT बददीहा शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि कोविड केयर सेंटर के रूप में तथा आइसोलेशन सेंटर के रूप में कार्य करता है और कोविड पेशेंट के उपचार के लिए तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं। राउंड द क्लॉक वहां डॉक्टर्स तथा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति रहती है। इसके अलावा इनके गांव और वह क्वारंटाइन सेंटर जहां ये सब ठहरे हुए थे, सभी प्राथमिक विद्यालयों में ही ठहरे हुए थे, उन सभी जगहों को क्वारंटाइन कर दिया गया। उसमें रह रहे जितने भी लोग थे उन सभी को उसी विद्यालय भवन में रहने के लिए कह दिया गया है। इन तीनों गांवों को सील किया गया है। धारा 144 लगवा दी गई है, कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, लगातार अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। इस गांव से निकलने वाली सड़कों को सील कर दिया गया है, क्वारंटाइन सेंटर को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी का भी आवागमन यहाँ पर नहीं हो सके। आपूर्ति के लिए वहाँ पे जनसेवक तथा रोजगार सेवक की प्रतिनिधि कर दी गई है। बिजली रिम्बा में मछली टार जो है एक टोला है और साथ में बस्कु पाए उसके एडजस्टेंट में है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही साथ गांव को सील कर दिया जा रहा है ताकि डिस्कनेक्शन हो जाए और जो व्यक्ति पाया गया है संक्रमित उसको जिला भेजा गया।